सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करें, तो आज से प्रार्थना में लगे, दुहाई दें परमेश्वर की। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर तो ये कहते हैं कि यदि तू बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना दूंगा। तो जितने भी प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु स्वर्गीय पिता दयावान परमेश्वर, आपकी बंधुआई से, आपकी प्रॉब्लम में से, आपकी परीक्षा में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। तो ये परमेश्वर ने अनुग्रह ही किया था इसराइलियों पर कि परमेश्वर ने कनान उन्हें दिया। परमेश्वर ने अनुग्रह ही किया था कि एक अलग जाति के रूप में उन्हें चुन लिया। ये दया ही थी, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से इसराइली कौम को चुन लिया। ये परमेश्वर की दया ही थी कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। जो परमेश्वर ने बड़े मिरेकल्स किए, जिन चमत्कारों को दिखाकर मिस्र से उन्हें बाहर ले आया, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही हुआ था। समुद्र को दो भाग किया खुदा ने और उन्हें जीविता उस समुद्र में से बाहर इसराइलियों को ले आया, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था। हालेलुया। तो यदि आज से आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। यदि मरियम को देखें, उस पर अनुग्रह हुआ तो उसने ऐसा क्या कर लिया, क्यों अनुग्रह हुआ? तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सब स्त्रियों में से वो धन्य मानी गई। वो पवित्रताई में रहने वाली लड़की थी, रियल पवित्रताई में रहने वाली, कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं थी, अपने समय का वेट कर रही थी, पवित्रताई में थी। और परमेश्वर ने उस पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की, परमेश्वर ने उसे चुन लिया। सब स्त्रियों में से धन्य मानी गई। सो यदि आज से आप किसी भी तरह के सिन में हैं, तो परमेश्वर कहता है कि पश्चाताप करो, आज से तौबा करो। यदि आप पवित्रताई में जीवन जिए, अपने समय की वेट करें, किसी भी तरह के गलत रिलेशनशिप में ना पड़ें, रॉन्ग चीज़ों से यदि आप दूर रहें, वे विचार से दूर रहें, गंदी चीज़ों से दूर रहें, तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आप पर हो सकती है। प्रभु अनुग्रह करेगा, परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। लूत ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह की दृष्टि की, उसे सदोम अमूरा में नष्ट होने से परमेश्वर ने बचा लिया। तो यदि हम स्टार्टिंग से उसकी जर्नी को देखें, तो जो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे कहा कि अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर उस जगह जा जिस देश में जाने की मैंने तुझे आज्ञा दी है, तो जब अब्राहम उस जगह से, अपने शहर से, अपने देश से निकला, अपने कुटुंब में से वो निकला था, तो उसकी पत्नी थी साथ में और साथ में लूत भी उसके संग चला, लूत भी उसके संग चला। जब आप एक अभिषिक्त जन के साथ खड़े होते हैं, जब आप ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो जिस पर के परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा हुआ है, जिसके साथ परमेश्वर का बहुत करीबी रिश्ता है, ऐसा जन जो परमेश्वर ने चुना, प्रभु ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने मसा किया, ऐसा जन जिसके द्वारा परमेश्वर माइटी वेज के साथ काम कर रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है, ऐसा जन, जब आप ऐसे जन के साथ खड़े होते हैं जैसे लूत अब्राहम के साथ खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने एक बार नहीं, कई बार परमेश्वर ने लूत को बचाया उस अभिषिक्त दास अब्राहम के कारण। जब ऐसे अभिषिक्तों के साथ आप लोग खड़े होते हैं, परमेश्वर आपको बचाता, परमेश्वर आपको छुड़ाता है। और परमेश्वर के दूतों ने उसके हाथ पकड़कर लूत को उस जगह से बाहर निकाला, पर जबरदस्ती परमेश्वर ने जल्दी से बाहर निकाला उन्हें, सदोम अमोरा को खत्म करने से पहले। परमेश्वर उसी तरह से दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा और खींचकर परमेश्वर उस दुख से, उस दर्द से, उस चुनौती से,
उस पाप से, उस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। जब आप प्रभु में बने रहते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ खड़े रहते हैं, जब आप अपनी लाइफ में सही चुनाव करते हैं, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, लूत की तरह प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको मरने नहीं देगा, आपको शैतान के ट्रैप में फंसने नहीं देगा, प्रभु आपको अलग करेगा, खींच कर बाहर निकालेगा, प्रभु आपको बचा लेगा, प्रभु अपने दूतों को भेजकर आपकी सुरक्षा करेगा, जैसे परमेश्वर ने लूत की सुरक्षा की। सो परमेश्वर का अनुग्रह कई बार लोगों पर होता है जब वो परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त के संग संग चलते हैं, प्रभु के चुने हुओं का साथ देते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं का आदर करते हैं। जब कोई जन ना तो बुरा सुनता है, ना बुरा बोलता है किसी के विरोध में, देन परमेश्वर दया करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से परमेश्वर अनुग्रह करता है, जब पवित्रता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के अधीन रहते हैं, जब आप प्रार्थना में रहते हैं इज़राइलियों की तरह, परमेश्वर अनुग्रह करता है। और हम यदि देखें तो जो भी व्यक्ति आज के समय पर भी जो परमेश्वर में चलता है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि यदि परमेश्वर ने आप पर अपना आप जाहिर किया, परमेश्वर फाइनेंशियली आपको तरक्की दे रहा है, यदि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, आपका मसा किया है, यदि परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, यदि परमेश्वर ने आपकी तरक्की की है, उन्नति की है फाइनेंशियल रीति से, या फिर परमेश्वर ने आपकी उन्नति की है स्पिरिचुअल रीति से, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सो उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज से कोई भी चुनौती, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स का, उन परीक्षाओं का बखान ना करें, बल्कि जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में हुआ, चाहे वो थोड़ा अनुग्रह, चाहे वो बड़ा पक्ष दिया परमेश्वर ने, चाहे वो थोड़ा फेवर दिया, लेकिन हाँ परमेश्वर ने फेवर किया जरूर है। इसीलिए आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता कहते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कोई उसे पिता तक नहीं कह सकता। सो यदि आज आप मसीह में हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, यदि परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यदि आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसे बने जैसे नूह था, परमेश्वर की दृष्टि में खरा था। कोई मायने नहीं करता कि लोग आपको देखकर क्या कहते हैं, आपको कैसे जज करते हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपके घर के लोग, आपके शरीक के लोग, आपके सगे संबंधी आपके विषय में क्या बोलते हैं। मायने ये करता है कि परमेश्वर आपको किस निगाह से देख रहा है। जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की परवाह करना थोड़ा छोड़ के परमेश्वर के करीब आए। आज से ये सोचें, इस चीज को सुनिश्चित करें कि परमेश्वर क्या देखता है। क्या जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो क्या मुस्कुराहट के साथ देखता है, प्रसन्नता के साथ देख रहा है परमेश्वर? क्या जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो क्या निगाह उसकी दया की निगाह से परमेश्वर देखता है ना? इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु प्रसन्न रहना चाहिए, परमेश्वर खुश रहे, उसका फेवर रहे, परमेश्वर दया की निगाह मुझ पर बनाकर रखे, प्रभु स्माइल मुस्कुराहट के साथ मुझे देखे, प्रभु प्रसन्न रहे, उसका आत्मा प्रसन्न रहे। इस बात को ध्यान में रखें, आज से आप खुश रहेंगे। हालेलुया, आप प्रॉब्लम से, हर तरह की चीजों से आप बचकर रहेंगे, प्रभु बचा के रखेगा आपको। तो प्रभु के नाम में परमेश्वर अनुग्रह करे आप पर, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि जैसे नूह पर बनी रही, उसी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप कलीसियाओं पर बनी रहे। परमेश्वर कहता है अनुग्रह, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा। लेकिन आज जब हम परमेश्वर की सेवा को करते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहती है। सेवा की वजह से परमेश्वर बहुत सी विपत्तियों से खुदावंद हमें बचा कर रखता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मेरा जन है जो मेरे कामों को करता है, या मेरी सेवा करता है। सेवा आप किसी भी तरह से, किसी भी रूप में करते हैं, चाहे आप अगर सोशल मीडिया पर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन को ही शेयर कर रहे हैं, तो आप सेवा कर रहे हैं। यदि आप लोगों को चर्च के बारे में बता रहे हैं, तो आप सेवा कर रहे हैं। यदि आप पंफलेट्स और पोस्टर्स वगैरह अपने लोगों को दे रहे हैं, उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं बड़ी मीटिंग के लिए, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप पवित्रताई में हैं बहनें, और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी पवित्रताई में जीवन जिए, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के लिए प्रार्थना करते हैं दिन और रात,
तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप अपने काम काज पर, अपने बिजनेस पर, आप अपने ऑफिस में, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने लोगों को बताते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति को बीमार, रोगी और दुख में पड़ा, क्लेश में पड़ा देखते हैं और आप उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप चर्च के बारे में बताते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखें कि जो व्यक्ति सेवा करता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, उस पर परमेश्वर की दया की निगाह बनी रहती है और उस पर परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर उसके संग संग चलता है, उस पर खुदा का फेवर, परमेश्वर का पक्ष रहता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनमें के योग्यताएं हैं, टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, अपने काम में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, और वो सेवा से हट गए, वो सेवा से दूर हो गए और परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के जीवनों से हट गया। ऐसे लोगों को देखा है जिनकी योग्यताएं व्यर्थ हो रही हैं, जिनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, जिनके गिफ्ट खराब हो रहे हैं, जो पहले उनकी सेवा 100% थी और आज प्रभु से हट के, सेवा से हट के 10% उनकी सेवा सिर्फ रह चुकी। अनुग्रह से परे हो गए, वो सेवा से हट गए और परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवनों से उठ गया। तो मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अनुग्रह करे आप लोगों पे, परमेश्वर की दया की निगाह आपके ऊपर रहे, परमेश्वर दया करे, कृपा करे, परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहे, उसकी सच्ची शांति आपके जीवनों में वास करती रहे, प्रभु आपको छुए और ब्लेस करे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपसे सेवा ले सके, ताकि आपके मेहनत का, आपके हार्डवर्क का, आपकी सेवा का अच्छा फल आपको मिले, प्रभु आपको छुए और ब्लेस करें। अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद यीशु। मैं हर एक जन को जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद, इन्हें ब्लेस करें, फेवर दें खुदावंद, फेवर दें इन्हें खुदावंद, फेवर दे, जैसे तूने नूह पर फेवर किया, उसके परिवार पर फेवर किया परमेश्वर, कि नूह पूरी मानव जाति में से जब नई सृष्टि की गई तो वो पूरी मानव जाति की नई संरचना में जल प्रलय के बाद परमेश्वर वो पूरी मानव जाति का पिता ठहरा। हे परमेश्वर, उसी तरह से तूने ब्लेस करे, टॉप पर रखें, इन्हें हेड बनाएं परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, इनकी हदों को बढ़ाएं खुदावन, इन पर अपना अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें, एक एक जन पर, एक एक जन पर तेरा अनुग्रह ठहरा रहे परमेश्वर। आज ही से परमेश्वर तेरे अनुग्रह को देखें खुदावन, जिस तरह से लूत को तूने परमेश्वर उसकी बाजू को, हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उस संकट से परमेश्वर बाहर निकाला खुदावन, खींच लिया उस संकट में से, उसी तरह से परमेश्वर तेरे स्वर्गीय दूत इन्हें छुए और इन्हें उस संकट में से, उस विपत्ति में से इन्हें बाहर निकालें, सुरक्षा दें अपने खुदावन, अपने दूतों का पहरा लगाएं, अपने अनुग्रह में छुपा कर रखें, इन्हें ब्लेस करें, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में बना रहे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो इसी तरह से प्रभु की प्रेजेंस में बने रहें। सो यदि आपकी लाइफ में कोई टेस्टिमनी हो तो उसे भी जरूर शेयर करें और रात की प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए हर एक जन तैयार रहें। मेरा विश्वास है कि जो प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स आप करते हैं, आप अपने परिवारों के साथ करते हैं या व्यक्तिगत रीति से पर्सनल करते हैं, प्रभु आपको छुएगा हर तरह के बंधन से, दुष्ट आत्मा और शैतानी बंधनों से प्रभु आपको बचाएगा प्रेयर माउंटेन प्रेयर के द्वारा। आपको परमेश्वर बचा कर रखेगा, सुरक्षा देगा। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स, पावरफुल प्रेयर्स, अथॉरिटी से भरी प्रेयर्स को जब आप करेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह में छुपाती हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह और खुदा की सच्ची शांति आपके जीवनों से सदैव प्रकट होती रहे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।